तारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा के ये पैसे नहीं ले सकता। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगली तारीख को मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, अगली बार मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर लेने आऊंगा। डिवोर्स के बाद मानव के कार्ड से तुम्हारा नाम हटाकर इसमें डलवाना है। मेरे सचिन का मौत का बदला मैं दिए बिना रहूंगी नहीं, इसीलिए मैं तुझे नहीं लेकर जा रही थी। लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी, जिद करती गई। दोबारा जिद करेगी ना तो भी नहीं लेकर जाऊंगी तुझे मैं। मेरी एक बात नहीं मानती है, क्यों गई थी हाथ छोड़कर बता मुझे, क्यों गई थी हाथ छोड़कर? चल, कभी नहीं ले जाऊंगी इसे मैं। काजल, अब तू क्यों डांट रही है इसको, क्या हुआ पुन्नी? मुझे ना एक बड़ा सा फुग्गा दिखा था और मैं उसके पीछे पीछे चली गई और मैं खो गई। मानव अंकल के आई ने मेरे को उठाया, आजी के पास छोड़ा और आजी को बहुत डांटा। जीजू की आई ने? आई ये क्या बोल रही है? चल पुनी, मैं तेरे हाथ पर धुलवा देती हूँ, संभलती नहीं तो लेकर क्यों जाते हैं? आई, तुझे मानव की आई ने क्या कहा मुझे बता, कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं। तुम्हारी बेटी को बोलना, अगर गलती से वो मेरे नजरों के सामने आई ना, मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी, उसे मार डालूंगी मैं। हर्ष, लेकिन सुन, तू उस घर में वापस कभी नहीं जाएगी। कभी नहीं भेजूंगी। वर्षा, आई का पंप लेके। सविता जी, तुझे आई, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात देख, अब तो मेरा तलाक भी होने वाला है ना, फिर मैं उस घर के बारे में कैसे सोच सकती? मैं नहीं जाऊंगी, पक्का मैं नहीं जाऊंगी। और एक थोड़े दिन की तो बात है ना। आई ये अच्छा, मुझे बता आई क्या बोला उन्होंने, मुझे बता। आई तुझे कुछ नहीं होगा अर्जुन, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं आई, नहीं, कुछ नहीं होगा। सविता जी, तुझे मैं तुझे कभी वापस नहीं मिलूं। वंदू, लेके जा और मेरे लिए पानी लेके आओ। ये भगवान, क्या गर्मी! चार चार बच्चे हैं खुद के, लेकिन पोती को संभालने में इतनी लापरवाही, कैसे लोग होते हैं बाबा। क्या हुआ सविता, किसको कोस रही हो? वो सुलोचना मार्केट में आई थी अपनी पोती के साथ, तरकारी खरीदने में इतनी दंग थी, बच्ची हाथ छोड़ के निकल गई। अच्छा हो गया उसी वक्त मैं उधर थी, मैंने बच्ची को पहचान लिया और उसके पास सौंप दिया, वरना बाद में मैंने ऐसी खरी खोटी सुनाई है ना, मेरे मन की पूरी भड़ास निकाल दी। मानो राशन कार्ड रिन्यू करवाने की कल की आखिरी तारीख है, मालूम है ना? जी। और राशन कार्ड में से सचिन का नाम भी कटवा देना। और उस मनोज का नाम भी निकाल देना अपने रेशन कार्ड में से। मानो मैं नहीं चाहती
उसका किसी भी प्रकार से हमारे साथ संबंध हो, ना वो हमारे यहाँ आके किसी चीज पर अपना हक जमाए। तुम्हारा डाइवोर्स हो जाएगा, अपने आप श्रावणी का नाम कार्ड में आ जाएगा। मेरे बच्चे को खा गई चुड़े। अगर मेरा सचिन आज होता तो यही बात कितनी खुशी खुशी बता देता। श्रावणी बेटा, अरे श्रावणी बेटा, तू बाहर क्यों आई? डॉक्टर ने क्या बताया? पलंग पे लेटे रहने का ना। अरे तू आते जाते रहेगी तो तेरे बच्चे और तेरे पे असर हो जाएगा। चल रोते रोते। काका, मैं कल जाके राशन कार्ड के सारे काम कर लूंगा। मानो राशन कार्ड में से सचिन का नाम काटने के लिए उसका डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगा ना, और वो तो कहीं गुम हो गए, और फिर वो डुप्लीकेट बनवाने में बहुत टाइम भी लग सकता है, तो फिर उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है सचिन का डेथ सर्टिफिकेट का है। आई, कैसा लग रहा है? ठीक है जो, वैसे भी मैं ठीक हूँ, बस दोपहर में जो हुआ उसकी वजह से अभी इस वक्त किसका फोन है जरा देख तो। आई मानव, मानव का फोन? फोन मत उठा, वो सविता जी फोन पर बात करेंगे, पता नहीं तुझे क्या क्या सुनाएंगे। तू जानते नहीं आज दोपहर में इतना नाराज थी वो। आई आई तू शांत हो, मैं हूं, मैं संभाल लूंगी सब। अर्चना, हाँ कल सुबह मैं 10 बजे जा रहा हूँ राशन कार्ड के ऑफिस, वहाँ मुझे सचिन के डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, किसी के हाथ भिजवा देना। क्या क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? सचिन का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, उन्होंने कहा कि कल वो राशन के ऑफिस जाने वाले हैं, तो वहाँ आकर मैं ये देकर जाऊँ। भाई हमारा हमारा राशन कार्ड भी तो रिन्यू कराना है ना, तो नहीं नहीं तू नहीं जाएगी वहाँ। अर्जुन मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे बाबा को वहाँ भेजती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और मानो का वहाँ आमना सामना हो। नहीं आई, बाबा नहीं जाएंगे, वैसे उनकी तबीयत खराब रहती है, वो कहाँ उस लाइन में लगेंगे, मैं चली जाऊंगी। नहीं अर्जु, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी।
इसमें से दो नाम काटने जी, सचिन देशमुख और अर्चना देशमुख। ये दो नाम काटने की वजह? सचिन मेरा छोटा भाई था सर, अभी कुछ दिन पहले उसकी मौत हो गई। डेथ सर्टिफिकेट लाए हो क्या? ठीक है। ये अर्चना देशमुख कौन है? जी मेरी पत्नी, अभी कुछ दिन में हमारा डिवोर्स होने वाला है। होने वाला है? मतलब अभी कोर्ट ने आखिरी फैसला नहीं दिया है? कल ही सुनवाई। वो तो ठीक है, लेकिन हमारी प्रोसीजर के मुताबिक हम बिना डाइवर्स के राशन कार्ड से उसका नाम नहीं काट सकते। ठीक, कोई रास्ता नहीं? हाँ, एक रास्ता है। आप इसमें एक अर्जी लिखो और इसमें अपनी पत्नी के साइन ले लो, जस्ट लाइक NOC। अगर तुम ये कर सकते हो तो शायद कोई बात बन जाए। ठीक है, हाँ जी बोलिए। ये राशन कार्ड है, इसमें मेरा नाम कटा हुआ है, फिर से इसमें नाम डालना है। उसकी वजह? मेरा डिवोर्स होने वाला है इसलिए। आप एक काम करो, आप भी ये कागज लो। देखिए वो जो भाई साहब खड़े हैं ना, अर्जी लिख रहे हैं, आप उनके पास जाइए और जैसी वो अर्जी लिख रहे हैं आप वैसे ही लिखिए और अपने पति के साइन ले लीजिए। आपके पास शाम के 5 बजे तक का समय है। अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो इस बार आपका रिन्यूअल नहीं हो पाएगा। तुम्हारा साइन चाहिए। मतलब आप दोनों ये लीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता। वहां मानव और अर्चना ये खुद मान चुके हैं कि उनका डिवोर्स निश्चित है। फिर भी क्या? फिर भी हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए वर्षा। मेरा मानना यह है कि हमारी लाइफ में क्या होगा, क्या होने वाला है, ये पहले से तय है। हम कोशिश कर सकते हैं उसे बदलने की, लेकिन वो बदलेगा या नहीं बदलेगा ये सब ऊपर वाला तय करता है। ठीक उसी तरह मानव और अर्चना को अगर अलग होना है, ये उसकी मर्जी है, तो फिर उन्हें अलग होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो अलग कभी नहीं होंगे। मैं भी चाहती हूँ बिल्कुल ऐसा हो। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बापा ने खुद उन दोनों की जोड़ी बनाई है और वो नहीं चाहेंगे कि उनकी जोड़ी टूटे। तकदीर ने ताई और जीजू को एक दूसरे के लिए बनाया और
देखा, ऐसा ही होता है। मतलब? मतलब तुमने कभी सोचा था ऐसा कि एक पल ऐसा भी आएगा बीच सड़क पे इस तरह से तुम मेरा हाथ पकड़ोगी? नहीं ना, लेकिन हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं कि होता वही है जो लिखा होता है। भेलपुरी खाओगी क्या? यहाँ पे काफी अच्छी भेलपुरी मिलती है, वो मूड को भी अच्छा करती है। भैया एक भेल देना, तीखी। अरे आपको भी तीखी भेल पसंद है? मुझे नहीं, तुम्हें पसंद है। हाँ, लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? मैंने तो कभी नहीं बताई थी। उषा, हर बात कहकर समझी नहीं जाती। अब इतनी मुलाकातों में इतना तो समझ सकता हूं मैं। भगवान के लिए कुछ दे दो दादा, भगवान के लिए कुछ दे दो। भगवान आप दोनों का भला करे। सुनो, कल सुनवाई की तारीख, मैं तुम्हें समय पर लेने आ जाऊंगा, तैयार रहना। इन बहनों ने अपने गहने बेचकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है ना। अभी तो रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, पोजीशन अमाउंट सब कुछ बाकी है, पैसे तो लगने ही है। अपने गहने मैं भी बेच देती हूँ, विनोद को तभी जाकर मेरी कदर होगी। आई मैं मंगलसूत्र पहन लूं? बाबा मैंने आई का मंगलसूत्र पहना। मंजू, ये मंगलसूत्र किसका है? ये मंगलसूत्र मेरा है, मैं इसे पहचानने में गलती नहीं कर सकती। पुन्नी, आई ने तुझे कितनी बार कहा है ना? वही नहीं जा। अब वैशु चाय वहीं पर रख दे। तू चल तो। आई ने तुझे कितनी बार समझाया ना कि उसके गहनों को हाथ नहीं लगाते? हर बार कुछ न कुछ नाटक, अपना होमवर्क कंप्लीट करो। तुम्हारी एक गलती किसी दिन मेरी जान ले लेगी। अरे मंजू, क्यों डांट रही हो उसे? अरे अपने होमवर्क ही नहीं करती है वो। अरे मंजू, ये तो वही मंगलसूत्र है ना जिसका डिजाइन अर्चू के मंगलसूत्र से मिलता जुलता है। हाँ विनोद, ये वही मंगलसूत्र है जिसे देखकर अर्चू और तुम सब लोगों को गलतफहमी हो गई थी। अच्छा ठीक है बाबा, अब तो कोई कुछ नहीं बोलता ना। पुन्नी, आप होमवर्क कर लो, मैं फ्रेश हो गया। अरे मंजू, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आना। हाँ विनोद, अभी लाई।
सूत्र आयका मंगल सूत्र आयका मंगल सूत्र आयका मंगल सूत्र। सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे।